साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉग ट्रेनिंग विद शर्मा पर, और आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आज की वीडियो हमारी डिपेंड है कौन सा डॉग घर के लिए पालें, कौन सा डॉग घर के लिए सबसे बेस्ट है। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले आज हमारा वीडियो है कौन सा डॉग पालें घर के लिए, कौन सा डॉग बेस्ट है, और अलग अलग उद्देश्यों के लिए, मल्टीपल पर्पज़ के लिए कौन सा डॉग बेस्ट रहेगा। तो हमने उसमें सबसे पहले तीन कैटेगरी किया है, उन्होंने तीन अलग अलग कैटेगरी बनाई हैं। तो सबसे पहले घर के लिए, घर की रखवाली के लिए कौन सा कुत्ता बेस्ट रहेगा, कौन सा डॉग बेस्ट रहेगा। दूसरा फार्म हाउस के लिए, और तीसरा डॉग हमें चाहिए बच्चों के साथ खेलने के लिए घर पे। अगर किसी के बच्चे बोल रहे हैं पापा घर के लिए डॉग चाहिए, तो एक कैटेगरी वो हो गई, तीन कैटेगरी हैं। और इन सब में पहला जो एक नंबर सवाल ये आता है कि डॉग क्यों पालें हम, डॉग की ज़रूरत क्या है। तो इसका आंसर ये है कि डॉग पालने की तीन ज़रूरतें हमारी डॉग पूरी करता है। एक तो हमें प्रोटेक्शन के लिए डॉग चाहिए, मान लो हमें अपने घर की रखवाली के लिए डॉग चाहिए। दूसरा, डॉग हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। एक तो हमारे घर की सुरक्षा करता है, दूसरा हमारे साथ है तो हमारा उसमें सिक्योरिटी कर रहा है डॉग। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है अकेलापन महसूस कर रहा है, डिप्रेशन में है, तो उसके लिए भी डॉग बेस्ट है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट कैटेगरी शुरू करते हैं, घर की रखवाली के लिए कौन सा डॉग बेस्ट है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊं घर की रखवाली के लिए डॉग बेस्ट है, वो है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड डॉग बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही घरेलू पालने के लिए बहुत ही अच्छा डॉग है। इसे अगर आपने फ्रेंडली बना लिया, अगर आपने इसे अपने साथ मिला लिया और अपने साथ इसे आपने घर पर टेंट कर लिया इसे, तो इससे अच्छा डॉग घर की रखवाली के लिए कोई नहीं है। नंबर दूसरा डॉग है हमारा, दूसरा डॉग है बॉक्सर। अगर आपने बॉक्सर फुली एग्रेसिव डॉग है और बहुत समझदार डॉग है, बुद्धिमान डॉग है बॉक्सर, अगर आपने इसको तैयार कर लिया, इसको अपने साथ फ्रेंडली कर लिया, तो इससे अच्छा डॉग कोई नहीं। एग्रेसिव डॉग है, एकदम अलर्टनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बुद्धिमान डॉग है। और तीसरा डॉग है हमारा, तीसरा डॉग है उसका नाम है वो ग्रेट डेन। ग्रेट डेन डॉग ये भी काफ़ी अच्छी इसकी हाइट है, माथा काफ़ी चौड़ा है, और सबसे बुद्धिमान डॉग कहा जाता है ग्रेट डेन को। अगर आपने इस डॉग को तैयार कर लिया, तो इससे अच्छा डॉग कोई नहीं है, और बहुत ही बुद्धिमान डॉग और फ्रेंडली और आसानी से ट्रेंड हो जाता है, और आपको देखने में तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा डॉग है ग्रेट डेन। अब दूसरी कैटेगरी आती है हमारी फार्म हाउस। अगर आपको फार्म हाउस के लिए डॉग तैयार करना है, तो सबसे पहला डॉग है हमारा डोबरमैन। डोबरमैन पिंचर नाम से जाना जाता है डोबरमैन, और बहुत ही फुली एग्रेसिव डॉग है डोबरमैन। और अगर आपने इसको फ्रेंडली बन लिया, और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आप पहली बार डॉग पाल रहे हैं, तो डोबरमैन और रॉटविलर इन डॉग को ना पालें, ये फुली एग्रेसिव ब्रीड है। इसके लिए बहुत ही ट्रेंड मास्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो ट्रेंड है उन्होंने पहले काफ़ी डॉग रखे हैं, वही इन्हें पालें, और वो लोग जो फर्स्ट बार डॉग ला रहे हैं वो इन्हें ना लाएँ। तो सबसे पहला डॉग है हमारा डोबरमैन। डोबरमैन फुली एग्रेसिव, एकदम अलर्ट, एकदम सतर्क चौकन्ना रहता है, और अगर आप फार्म हाउस के लिए लाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है डोबरमैन पिंचर। और दूसरा डॉग है हमारा रॉटविलर। अगर आप अपने फार्म हाउस की रखवाली रखना चाहते हैं, अच्छी तरह करना चाहते हैं, तो आप रॉटविलर डॉग को भी पाल सकते हैं। रॉटविलर डॉग सबसे बेस्ट ब्रीड, एकदम एग्रेसिवनेस, अलर्ट, चौकन्ना रहता है रॉटविलर, सबसे बेस्ट डॉग है। अब आप हमारी तीसरी कैटेगरी आती है, उसका नाम है आप अपने घर के लिए बच्चों के खेलने के लिए डॉग पालना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट डॉग है, सबसे आज्ञाकारी डॉग जिसे कहा जाता है, एकदम शांत, घर के लिए फ्रेंडली, अब थोड़े से ही ट्रेंड हो जाता है, और खाने में आराम से जो आप दोगे वही खा लेगा, और आपके साथ बिल्कुल घुल मिल जाता है, उसका नाम है लैब्राडोर। लैब्राडोर वह डॉग है जो आपके साथ आसानी से घुल मिल जाता है, और आप जो खिलाओगे वही खाएगा, सबसे बेस्ट डॉग, और आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध है लैब्राडोर, और सबसे सस्ता डॉग बोलेंगे इसको, सस्ता और आसानी से मिल जाता है, तो आप लैब्राडोर पाल सकते हैं घर के लिए।
और नंबर दो दूसरा डॉग है पोमेरेनियन, जिसका शुद्ध नाम पोमेरेनियन बोलते हैं, पोमेरेनियन उसका शुद्ध नाम है और काफ़ी छोटा डॉग होता है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आसानी से इसको हम पाल सकते हैं पोमेरेनियन को। बहुत ही अच्छा डॉग है, छोटा सा डॉग है पोमेरेनियन। अब इसके अलावा आप डॉग ला रहे हो उससे पहले ज़रूरी बातें, ध्यान में रखने वाली बातें ये हैं कि बिना वैक्सीन के डॉग को घर पर लाना कतई सही नहीं है। आप डॉग को पहले फुली वैक्सीनेटेड करवाएं, उसके बाद घर पर डॉग को लाएं। और नंबर दो दूसरी बात है कि आप डॉग के रख रखाव, खाने पीने की व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखें आप डॉग ला रहे हैं तो। और इसके अलावा हम डॉग से रिलेटेड अपने चैनल पे अब सिलसिलेवार वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद वैक्सीनेशन का वीडियो आएगा, उसके बाद डॉग कौन सा बेस्ट है ये वीडियो आ चुका है आपके लिए, और इसके बाद सिक्वेंशल डॉग के वीडियो हम बारी बारी डॉग के खाने पीने से रिलेटेड, डॉग की बीमारियों से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और जब तक देखते रहिए हमारा चैनल, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, राम राम सभी को।